ऑफिसर्स एंड जेंटलमैन, कैडेट्स एंड कैप्टन, आज का दिन एक अहम दिन है इंडियन डिफेंस मिनिस्ट्री के लिए। एक अहम दिन, भारत की आजादी को ही खतरा पहुंचाया जा सके ऐसा हमारे संविधान को चुनौती दी है। कहीं दूर सरहद के इलाके में से किसी आतंकवादी ने, आज उसकी चुनौती का दिन है। सोल्जर्स, अपने सीबीआई की मेन बिल्डिंग को ही बम से उड़ाने के मकसद से एक ब्लडी टेररिस्ट आतंकवादी दिल्ली शहर में घुस गया है। जहां हवा का झोंका तक नहीं पहुंच सकता, वहां उसकी नजर पहुंच गई है। देश भर की तमाम क्रिमिनल्स का पूरा पूरा इंफॉर्मेशन, रिकॉर्ड्स वगैरह उसी सीबीआई बिल्डिंग में ही रखा जाता है। यू नो, वहां पर कोई भी हमला हुआ तो वो हमारे देश के लिए ही बेइज्जती है। एट एनी कॉस्ट हमें उस बिल्डिंग को बचाना होगा, उस टेररिस्ट को पकड़ना ही होगा। अब एक सेकंड भी हम वेस्ट नहीं कर सकते। लेट्स गो। टाइट सिक्योरिटी पोजीशन लगा दो। यस सर। They are on the way. Where is the dog squad? All right, sir. Look. Come on, get in. Come on. Go. इस बिल्डिंग को हमने लोहे का किला बना दिया सर। अब इस बिल्डिंग में टेररिस्ट तो दूर, हमारे परमिशन के बिना एक कुत्ता भी नहीं घुस सकता। लुक, रन। गॉड, वहां सर्च करो। जाओ। चारों तरफ से घेर लो। कल ये बिल्डिंग किसके कंट्रोल में है? मेरे कंट्रोल में है। अब तू बोल, किसके कंट्रोल में है? आप ही कंट्रोल में है। मक्खन लगाना मुझे पसंद नहीं। Woo!
इंडिया के किसी भी पुलिस फाइल में इसका फोटो नहीं है सर। इसके हाथ की लकीरों के साथ मैच होने वाली लकीरें हमारे पुलिस डिपार्टमेंट में किसी भी कंप्यूटर में नहीं है सर। इसके खून की जांच से साफ साफ जाहिर होता है कि ये कोई साधारण टेररिस्ट नहीं है। अगर इस केस में कोई क्लू मिलना है तो उसी से बुलवाना होगा। वो बोलेगा? हम बुलवाएंगे अगर आप इजाजत दे तो। बीस सेंटीमीटर थिकनेस वाली लोहे की प्लेट को इससे निकालने से वो डबल रोटी की तरह टूट कर निकल आएगी। इससे अगर तुम्हारे नाखून को उखाड़ो तो क्या होगा, जरा सोच के देखो। अगला क्या है? हीट ट्रीटमेंट। बिजली लगाओगे तो एक आम आदमी को शॉक लगेगा। मैं हूं ज्वालामुखी, मुझे छूने से बिजली को शॉक लगेगा। ज्वालामुखी, कॉन्सेंट्रेट, कॉन्सेंट्रेट। अपने मन को एकाग्र करने की कोशिश करो, कुछ मत सोचो, विचारों को त्याग दो। इजी इजी, मैं तुम्हारे अंदरूनी मन की गहराइयों में उतर रहा हूं। बहुत ज्यादा गहराई में मत जाओ, डूब जाओगे। इम्पॉसिबल। इसके मन में प्रवेश करने की शक्ति साइंस में नहीं है मिस्टर राणा। जो ध्यान तप बड़े बड़े ऋषि मुनि नहीं कर पाए उसे ये ज्वालामुखी बड़ी आसानी से कर रहा है। ये कोई मामूली आदमी नहीं है, असली ज्वालामुखी की तरह ये कभी भी फट सकता है। और तुम्हें जो कुछ भी करना है आज ही रात को कर लो, कल सुबह कुछ नहीं कर पाओगे। क्योंकि मैं निकल जाऊंगा। किसे बात कर रहा है तू? डिफेंस डिपार्टमेंट में काम करने वालों को नामर्द समझा है? हम में भी मर्द है, ये साबित करके दिखाएंगे। ऑल द बेस्ट।
300 मशीन गन्स, 500 कमांडोस और इलेक्ट्रिक फैंस, इन सबको तोड़ के वो बच के निकल गए सर। हमारी सिक्योरिटी, वेपन्स, रडार, टेक्नोलॉजी सब कुछ चकमा देके निकल गया। जिन जिन को चाहिए ले जाओ, जो कुछ भी चाहिए ले जाओ। उसके बारे में सिर्फ एक क्लू है तुम्हारे पास, उसकी नीली आंखें। रात को 8 बजे अब्बा जान तुम्हें इंडिया गेट के पास मिलेंगे। हमें जो जानकारी चाहिए वो उनके पास है। दिल्ली की सारी पुलिस तुम्हारे पीछे हाथ धो के पड़ी हुई है, सावधान रहना। ज्वालामुखी, ज्वालामुखी। ऊपर वाला ही क्यों ना हो, अच्छे बुरे को देखकर ही सहारा देता है। लेकिन ज्वालामुखी की पनाह में जो आता है उसमें वो अच्छे बुरे का फर्क नहीं करता। हैवानों तक को पनाह मिल जाती है। ए रुक जाओ, उससे पंगा मत लेना, जान प्यारी है तो भागो वहां से। क्या हुआ चाचा जान? म्यूजिक डायरेक्टर डिसूजा मुंबई पहुंच चुका है, तुम्हें फौरन वहां पहुंचना होगा ज्वाला। हेलो, ज्वालामुखी को देख लिया, अब उसकी परछाई भले ही उसका पीछा छोड़ दे पर मैं नहीं छोड़ूंगा। हमारे साथ आज रात न्यू ईयर ईव मनाने के लिए सिंगापुर से कल्चरल ट्रूप आया है, चलो हम उनका स्वागत करते हैं। ऑल इंडिया लेवल में टूर करने वाले इस ट्रूप के मुख्य कलाकार हैं मिस शालिनी। कम ऑन गाइस, ललन कहाँ है? माँ तुझे सलाम, वंदे मातरम। ओए आओ जी, बल्ले 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 बल्ले, यहाँ आके उतरते ही बल्ले बल्ले। वेलकम करने का नया तरीका है बल्ले बल्ले। सॉरी सर, वो हर बात को बल्ले बल्ले से ही शुरू करते हैं। फंस गया। ठीक करती हूँ ललन। इन्हें हुआ क्या है? खुशी हो या गम, जब ये जज्बाती हो जाते हैं तो इनके मन के अंदर एक कोरस की हमिंग शुरू हो जाती है और इनकी आंखें भर आती है। ललन, लेट्स गो। आइए भाइयों बहनों, आइए अपनी भविष्यवाणी जानिए, भूत वर्तमान और भविष्य जानिए। मेरा भी भविष्य बताइए प्लीज। हर जगह पर हर किसी के सामने हाथ फैलाओगी तो सब उसे भिखारी मानकर चिल्लर डालेंगे। चुप रहो, पहले मेरे हाथ देखने दो। Come on, see my fortune. क्या हुआ? ये क्या हाथ की रेखाएं घिस गई है? इससे ज्यादा मेहनत करते हो? मेरा हाथ देखिए। बायां हाथ दिखाइए मैडम। क्यों, दायां हाथ से क्या फर्क पड़ेगा? मर्दों का दायां हाथ औरतों का बायां हाथ देखना ही ज्योतिष विद्या का सर्वप्रथम नियम है। जो मर्द भी ना हो औरत भी ना हो, ऐसे बीचों बीच जो आता है ना, उनका कहाँ देखोगे? मुंह में।
ललन तोते को देखो, ये किस लिए? तोता भविष्य, आप अपने राशिफल के बारे में पूछेंगी तो कार्ड निकाल कर आपका भविष्य बताएगी। ऐश्वर्या राय। ऐश्वर्या राय? हाँ। क्यों बे, कुछ भी पहना बिना या मल्लिका शरावत है, इसे तुम ऐश्वर्या राय बोलकर दुनिया को उल्लू बना रहे हो। स्टॉप इट ललन, ऐश्वर्या राय से मेरे लिए कार्ड निकलवाइए ना। आंखों में ज्वाला लिए नरसिंह आ गया है। क्या बोल रहे हैं? शेर जैसा एक मर्द आपसे मिलने के लिए आ ही रहा है। बोलिए वो कैसा होगा? उसकी आंखों में है ज्वाला और उसके अंदर भरा है शोला। पूरे देश का है रखवाला, बाहर से पत्थर तो अंदर से मोम। उससे मुलाकात कब होगी? जल्द आप दोनों की मुलाकात होगी। वो टकराएगा आपसे और आप टकराएंगी उनसे। आप दोनों के इस अनोखे मिलन का जश्न पूरी दुनिया में मनाया जाएगा। तुम्हारे चेहरे पे ये उदासी का नकाब। सिंगापुर से मैंने जिस प्यार के दिए को जलाकर समंदर पार करके यहाँ लाया, उस दिए को तूने अपनी भविष्यवाणी से पल भर में बुझा दिया। इस मनहूस तोते की बलबूते पर ही तू भविष्यवाणी कर रहा है ना? मैंने अगर इसकी टांग अलग पंख अलग करके फेंक न दिया तो मेरा नाम भी लल्लन नहीं है। चप्पल खाएगा। लेकिन तेरे पास चप्पल कहाँ है? लड़की को छेड़ रहा है। ये है भविष्यवाणी।
ज्वालामुखी ने आपके लिए मिठाई भेजा है, आपको हलवा खिला रहा है और साथ में एक खत भी भेजा है सर। हेलो राणा, अभी मैं तुम्हें दिल्ली का हलवा खिला रहा हूँ, मुंबई का हलवा कल खिलाऊंगा। मुंबई में म्यूजिक डायरेक्टर डिसूजा है ना, अरे वही म्यूजिक डायरेक्टर जिसे पिछले साल राष्ट्रपति का पुरस्कार मिला था। कल सुबह 11 बजे उसकी मौत का संगीत कंपोज कर रहा हूँ, हो सके तो रोक लेना। क्यों म्यूजिक डायरेक्टर, बाजा बजाने वाले को मछुआरों की बस्ती में क्या काम है? मुझे मारने के लिए ज्वालामुखी मुंबई आ चुका है, अब आप ही को मुझे बचाना होगा। अरे भाई मैं कौन हूँ, एक लोकल दादा। तुम जैसे बड़े बड़े लोग सरकार से प्रोटेक्शन लेते हैं। सरकार से? सरकार खुद ज्वालामुखी से डर के बाहर से प्रोटेक्शन मांग रही है। चाहे जितना भी खर्चा हो जाए शिंदे भाई, मुझे किसी भी तरह बचा लीजिए। तुम फिक्र मत करो, अभी शिंदे के पास आ गए हो ना, यमराज भी तुम्हारे पास नहीं आएगा। इस मुंबई शहर में यमराज भी घुसता है तो मेरी इजाजत लेकर। हाय भैया, कैसे हो? भाभी और टिंकू तो अच्छे हैं ना? हाँ हाँ, मैं और ललन अब मुंबई आ गए हैं। गेटवे ऑफ इंडिया के पास एक खास VIP से मिलने जा रहे हैं। ओके हाँ, ओके भैया, रात को फोन करना। ओके बाय बाय। शालिनी, कौन है वो खास VIP? शरद पवार हैं, बाल ठाकरे हैं, सचिन तेंदुलकर हैं या ऋतिक रोशन है? नहीं, ये तो उन सबसे बढ़कर है। ए ललन, वहाँ देखो। मैं आ गया हूँ मैडम। क्यों मैं काले कौवे? ये है मुंबई नगर या तू देख। हाय दरुवाला, हाय ऐश। क्यों शालिनी, इस सड़क छाप फकीर से मिलाने के लिए मुझे मुंबई लाई हो? हाँ ललन, दिल्ली में न्यू ईयर के दिन इसने जो कुछ भी कहा था सच हुआ ना, इसलिए इसे और ऐश्वर्य को मैंने मुंबई बुला लिया। मुफ्त में नहीं, महीने 10,000 रुपए देके मैडम ने मुझे रख लिया है नौकरी पर। शालिनी तुम हंसी हो और मैं जवां मर्द, हम दोनों का रेंज क्या है? हम दोनों इस भिखारी के साथ घूमेंगे तो इस मुंबई के लोग हमें भी इसके जैसे सपेरा समझ के हमारे हाथ में बीन दे के बजाओ बोलेंगे। हमें ये सब नहीं चाहिए, चलो ना चलते हैं। टेंशन मत लो ललन बेजान, मुंबई में मेरे लिए कोई भविष्यवाणी है? भविष्यवाणी किस बारे में? अरे वही उनके बारे में। ओह, दिल्ली में जिससे आपकी मुलाकात हुई थी वो यहाँ मुंबई में आपके लिए आसमां से कूदने वाला है, आसमां से। पिछली बार सिर्फ निगाहें मिली थी, लेकिन ऐसा नहीं अब की बार, वो आपको अपनी पाँव में जकड़ कर फूलों की सेज में लौटेंगे, मस्ती करेंगे, झूम बराबर झूम। उनका आसमान से कूदना तो एक तरफ, लेकिन आपके पीछे साये की तरह दौड़ता है ना काला बंदर, वो सीधा पाताल में जाएगा। उसे छोड़ो, दिल्ली में रहने वाले मुंबई के आसमान से कैसे कूदेंगे बोलो? वो जहाँ चाहे पल भर में पहुँच जाता है। हैट्स ऑफ ज्वालामुखी, यही तुम्हारी इस अदा का तो मैं कदरदान हूं। वेलकम टू मुंबई। इस शहर में मेरे खास मेहमान हो, करेंसी चाहिए मांगो, ड्रिंक्स जी भर के पी लो, लड़की चाहिए ले लो, लेकिन उस म्यूजिक डायरेक्टर को छोड़ो। रकम उतनी दूंगा जितनी तुम मांग सको, अब अगर तुम्हारी पिस्तौल चलेगी तो मेरे इशारों पर। क्या बोलते हो? कल सुबह ठीक 11 बजे उस म्यूजिक डायरेक्टर को खत्म कर दूंगा। अब मेरी इस उंगली के हिलाने की देर है,
तेरी खोपड़ी छलनी छलनी हो जाएगी। पहले अपनी जान बचा ले बच्चे। उंगली हिलाओगे तभी ये लोग गोली मारेंगे ना, उंगली को तो एक बार देखो। ज्वालामुखी से हाथ भी मिलाओ तो चौकन्ना रहना चाहिए। तुम और तुम्हारे आदमी जरा सा भी हिलेंगे तो मैं इसे दबा दूंगा। तुम्हारे एक एक टुकड़े वहां दीवार पर गिरेंगे। कहो तो दबा दूं? नो। ज्वाला ज्वाला ज्वालामुखी ज्वालामुखी हेलो। चोर बाजार के फुटपाथ से ली गई 2 रुपए की प्लास्टिक की अंगूठी से इतना डर गए? असली बम लगा दिया तो क्या हाल होगा? असली बम तो कल सुबह 11 बजे उस म्यूजिक डायरेक्टर को लगाऊंगा, हो सके तो रोक लेना। Citizens of Singapore, this is Lalan reporting from India. एक सच्चे हिंदुस्तानी को आपके सामने पेश करने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ मुंबई शहर में एक गटर का ढक्कन खोल के हम कैमरे के साथ इंतजार कर रहे हैं, पता है किस लिए? यहाँ गंदगी और दुर्गंध ना फैले समझकर जो भी इस ढक्कन को उठाकर गटर को बंद करेगा वो है सच्चा हिंदुस्तानी। ओवर द फुटपाथ। आहा, लगता है कोई सच्चा हिंदुस्तानी आ रहा है। टिंग डंग डिंग। ये क्या कर रहा है? ओह माय गॉड, गंदगी को बंद करेगा सोचा, अपनी गंदगी बाहर छोड़ रहा है। लगता है कोई शरीफ हिंदुस्तानी आ रहा है, लेकिन देख कहां आ रहा है? ओहो, अरे बेवकूफ, बेकार में अंदर चला गया। हाँ क्यों बे तोते, जो अंदर गया वो गायब हो गया, खत्म हो गया क्या? अरे कमबख्त, कहाँ गिरा कब उठा कुछ भी जाने बिना चलता जा रहा है। एक लड़की को पटाके माँ बनाने के चक्कर में मातृभूमि को ही भूल गया हिंदुस्तानी। एक्सक्यूज मी, क्या है, थोड़ा हटेंगे? यस, इसी की मुझे उम्मीद थी। माँ तुझे सलाम, माँ तुझे सलाम। डोंट डिस्टर्ब, यहाँ कबाड़ी की दुकान कहाँ है? क्यों इसको खिसकाने से बाटली का इंतजाम हो जाएगा, तुमको भी एक एक पैक दे दूंगा। दुकान कहाँ है दिखाना? दुकान दिखाता हूँ, इसे नीचे रखो, मेरे साथ आओ। जरा नीचे देखो राजा। क्यों बे साले, शराब पीनी है? शराब जो बह रहा है वो स्कॉच विस्की जी भर के पी ले। तुम भी आ जा। भविष्यवाणी सच निकली। पहुंच गया पाताल में। एक्सक्यूज मी, जरा हटेंगे, ऊपर जाना है। अब 10 मिनट ही बचे हैं। तुम फिक्र मत करो डिसोजा, जो सिक्योरिटी प्राइम मिनिस्टर को दी जाती है ऐसी सिक्योरिटी तुम्हें दी है, व्हाई डू वरी, तुम्हें कुछ नहीं होगा। सर हम लोग सिंगापुर से आए हैं, म्यूजिक डायरेक्टर डिसोजा से मिलना है। उनसे मिल नहीं सकता, चले जाओ। सर हमारे पास अपॉइंटमेंट है। अरे अपॉइंटमेंट वगैरह कुछ नहीं, चले जाओ। अरे चलो ना यहाँ से जाओ। शालिनी, अब हम म्यूजिक डायरेक्टर डिसोजा से मिले बिना नहीं जाएंगे, तुम फिक्र मत करो, मैं उसका पूरा इंतजाम कर दूंगा। ए, उधर देखना बेवकूफ, पहले इससे उस सीढ़ी से चढ़कर 8वीं मंजिल पर जाकर उस म्यूजिक डायरेक्टर से कहने के लिए कहिए कि मैडम इंतजार कर रही है, वो जरूर अपॉइंटमेंट देगा। हाँ, बहुत बढ़िया आइडिया है। शालिनी, इस तोते वाले की बातों में आकर मुझे कहीं भी मत चढ़ा दो। उधर देखो वो सीढ़ी थोड़ी है, सीधा मंगल ग्रह पहुंच जाऊंगा, मैं कोई अंतरिक्ष यात्री दिखता हूँ? कम से कम मेरी जवानी पर तो तरस खाओ। चलो यहाँ से चलते हैं। ये मोहन मसूर की दाल।
शालिनी हाँ? तुमने कभी तंदूरी तोता खाया है? नहीं ललन। आज खिलाता हूँ। चल ऐश्वर्या। छोड़ दूंगा ऐश्वर्या को, आज तुझे नहीं छोड़ूंगा। क्यों ना मैं खुद ही इस पर चढ़कर आठवीं मंजिल पर जाऊँ? हेलो ज्वाला, ज्वालामुखी। क्यों ज्वालामुखी? मेरे कले में घुस नहीं सके इसलिए मजबूर होकर फोन करना पड़ा। तुम डिसोजा के लिए टाइम बम तो क्या, दिवाली का बम भी नहीं लगा सकते। 11 बजने में सिर्फ 2 मिनट बाकी हैं। 2 मिनट की क्या जरूरत है? मेरा फोन काटने के बाद जब तुम रिसीवर नीचे रखोगे ना, उसी पल तुम लोग खत्म। Really, you are great. Simba. Great. You are really great. मैंने तुमसे पहले ही कहा था ना? Fantastic. Hello, yes. ज्वालामुखी. ज्वालामुखी. क्यों ज्वालामुखी? तेरे बम का क्या हुआ? बम कनेक्शन कट गया ये समझकर ज्यादा मत उछलो शिंदे। उसे काटने वाला भी मैं ही था। टेलीफोन में जो था वो बम नहीं था, तुम्हारी तरह डमी था। असली बम तो मैंने अभी रखा है, जो कुछ ही देर में फटेगा। इस सड़ी हुई जिंदगी का कुछ और मजा लेना चाहता है तो भाग जा। No! Hey! Hey, रुक जाओ। नीचे उतरो। वो यहां मुंबई में आपके लिए आसमां से कूदने वाला है। Hey, hey, hey.
गाए। की रानी लगे सुहानी परियों जैसी मस्तानी खुशकिस्मत से मिल गए मुझको प्यार की ऐसी दीवाने के काम को मैंने अच्छा अंजाम दिया शिंदे। अब मेरा शिकार वेस्ट बंगाल का डीजीपी सीपी शर्मा है, जिसे कल शाम 4 बजे ऊपर पहुंचाने वाला हूं। उसके दाह संस्कार में जरूर शरीक होना। ज्वालामुखी। नाम शर्मा, उम्र 34 साल, 97 के आईपीएस बैच में गोल्ड मेडल हासिल किया। पला बड़ा कोलकाता में, लेकिन मातृभाषा हिंदी। वेस्ट बंगाल के इतिहास में सिर्फ 34 साल की उम्र में ही पुलिस डिपार्टमेंट का चीफ बनने वाला पहला ऑफिसर है ये। बहुत ही सक्सेसफुल पुलिस ऑफिसर है सर। वेस्ट बंगाल के छोटे छोटे गाँव में आग की तरफ फैलने वाले नक्सलवादियों को इन्होंने जड़ से मिटा दिया है। रिश्वत, घूस, पॉलिटिक्स, इन्फ्लुएंस, रिकमेंडेशन जैसे दाग लगे बिना बड़ा ईमानदार और बहादुर पुलिस ऑफिसर है ये। कुल मिलाकर एक परफेक्ट ऑफिसर और जेंटलमैन है। Yes, sir. अगर इसे ज्वालामुखी ने अपना टारगेट बनाया है तो there is something fishy about it. ज्वालामुखी का लावा तो दूर धुआं भी इस पर नहीं पड़ना चाहिए। सावधान, अब से हमारा पूरा ध्यान कोलकाता में होना चाहिए। Over to कोलकाता। अरे क्यों हंस रहा है? अरे क्यों हंस रहा है सुअर? बोलना क्यों हंस रहा है? अरे किशन, तेरी लीला परंपार है। ए बीजान, क्या बोल रहे हो तुम? मुंबई में आसमां से कूदा था ना आपका वो। हाँ? अगली बार आप दोनों की मुलाकात पानी के अंदर होगी। हाँ, पानी के अंदर होगी। सच बोल रहे हो? हाँ मैडम, कोलकाता शहर में हुगली के तट पर एकदम गहराई में वो आपके पास तैरता हुआ आएगा। सचमुच? सचमुच। मुंबई में आपको बाहों में जकड़ के लौटा था ना, अब वो उससे भी आगे जाएगा। हाँ। अरे क्या बोल रहा है तू? तो चुप रह ललन, तुम बोलो बेजन। इन रसीले होठों पर अपने गरम गरम होठ रखकर आप दोनों हुगली नदी के पानी में आग लगाने वाले हैं। हाँ।
सर आज ही आपने डीजीपी का पद संभाला है, नक्सलियों के विरुद्ध आपकी क्या कार्रवाई? ओके, मैं आपके सभी सवालों का जवाब दूंगा। प्लीज पद संभालते मैंने काली माता का आशीर्वाद ले लिया है और मैं मासूमों का खून चूसने वाले अंडरवर्ल्ड गुंडों से कोलकाता को बचाने वाला हूँ। और इस ऑपरेशन के शुरुआती तौर पे समाज सेवा का नकाब पहना खतरनाक गुंडा मुखर्जी को आज ही हिरासत में मैं लेने वाला हूँ। एक और खास बात यह है कि आज ही मुखर्जी का जन्मदिन है, मेरी तरफ से उसके जन्मदिन का तोहफा हथकड़ी है। इस बात को आप आपका फोन। हेलो ज्वाला, ज्वालामुखी, ठीक 4 बजे मैं तुम्हें मारने वाला हूँ। उसके बाद तुम मुखर्जी को कैसे अरेस्ट करोगे, लाश बन के जाओगे? मुझे मारने वाला अभी तक पैदा नहीं हुआ ज्वालामुखी, सामने आने से डरता है इसलिए फोन पे बात कर रहा है। तुझ में अगर दम है, हिम्मत है तो सामने आ जा। अरे पहले अपनी उल्टी लगाई हुई उस नेम प्लेट को तो ठीक करो। 4 बजे तेरे शहर में, तेरे ही इलाके में, अगर यमराज खुद भी आके रोकना चाहे तो भी रोक नहीं पाएगा। ज्वालामुखी जो ठान लेता है वो कर दिखाता है। फिल्मी तारका को बुलाकर 5-स्टार होटल में मना सकता था, बंगोपसागर चलने वाले मेरे 10 जहाजों में से किसी एक जहाज में मना सकता था, किंतु अभी बीच रास्ते में क्यों मना रहा हूँ जानते हो? क्योंकि अब मैं जिस केक को काटने वाला हूँ उस केक को कोई अमीर आदमी नहीं बल्कि आप जैसे गरीब लोग मेरे साथ खाएंगे। तो दे खुशी, अमर खुशी, रवि रंजन मुखर्जी जय बोलो, बोलो। नमस्कार मुखर्जी, कैमन आछो? ज्वालामुखी मुखर्जी बोलछी। ज्वाला, ज्वालामुखी, शहर में आया हुआ नया डीजीपी तुझे गिरफ्तार करने के लिए निकल पड़ा है। उसे खत्म करने के मकसद से ही मैं कोलकाता आया हूँ। अगर तुम पनाह लेने मेरे पास आओगे तो मैं तुम्हें बचा लूंगा, इतना याद रखना। जाल फेंक कर मांस पकड़ने के लिए ये मुंबई नहीं है ज्वालामुखी, कोलकाता है। यहाँ वो ऊपर वाला ही क्यों ना आए, इस मुखर्जी का नाम सुनते ही सर झुकाकर सलाम करेगा। तुझ जैसा आदमी मुझे बचाएगा? तुझमें हिम्मत है तो सामने आके बात कर, नहीं तो बोल कहाँ आना है, मैं आता हूँ। ए चिल्ला मत, मैं तेरे पास ही हूँ ज्वालामुखी। इस तरह तू मेरा किडनैप करेगा तो मेरे आदमी तुझे छोड़ देंगे। मैं तेरा किडनैप नहीं कर रहा हूँ बेवकूफ, तुझे बचा के ले जा रहा हूँ। पीछे देख। सर मुखर्जी के ज्वालामुखी गाड़ी को बाची नहीं जाते। जाता है तो जाने दो, ये लोग ऐसी कोई हरकत करेंगे जानकर ही मैंने उस गाड़ी के टायर पे बम फिक्स कर दिया। जैसे ही ज्वालामुखी उस गाड़ी के ब्रेक पे पैर रखेगा बम अपने आप ब्लास्ट हो जाएगा। ज्वालामुखी को कोई मार सके ऐसा कोई पैदा नहीं हुआ। भागो! संभाल के ले जाओ इसे। Come on.
ज्वाला 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 ज्वालामुखी। अगर मैं हिलता भी हूं तो उसकी हजार वजह होती है, और अगर मैं दौड़ू, जान बचा के भागने की आदत नहीं है ज्वालामुखी को। तुझे मैं अपने आदमियों से अलग करने के लिए ही भाग रहा था। मैंने तुझे चार बजे मारने को कहा था ना, उसमें अभी दो मिनट बाकी है, हो सके तो खुद को बचा ले। कोलकाता, ये विद्यासागर पुल है और नीचे हुगली नदी। इस अंडरग्राउंड वाटर में शालिनी जिससे मिलेगी उसी से शादी करेगी, कह रहा है ना? हाँ हाँ बिल्कुल। स्टॉप स्टॉप। क्या ललन, कोई खास बात है? शालिनी हाँ? पहली ही नजर में प्यार होता है मैंने सुना है, लेकिन देखने से पहले ही मैं तुमसे मोहब्बत कर बैठा। कहते हैं प्यार की आंखें नहीं होती, लेकिन मेरे प्यार की आंखें कान नाक पूरा चेहरा ही नहीं है। उस कदर मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ ये सिर्फ मैं और ऊपर वाला जानता है। इस तोते के बहका में आकर पानी में जो मिलेगा उसी को पति मानने वाली हो तुम। मेरी मोहब्बत जो जमीन पर नहीं खिली उसे हम पानी में खिलने देते हैं। कमान कमान, अरे उसे क्यों रोक रहे हो, वो अपने महबूब से मिलने के लिए जा रही है। अगली बार आप दोनों की मुलाकात पानी के अंदर होगी। केरल एक खूबसूरत जगह है, वहाँ का सबसे बड़ा त्यौहार है ओनम। जब भगवान विष्णु के दसों अवतारों की यात्रा निकाली जाएगी तो वहाँ के राजा बड़े तंबुरान के इकलौते बेटे छोटे तंबुरान यानी हिरण्य का सेना चीर कर उसे मार दिया जाएगा। दिल्ली मुंबई कलकत्ता में अपना टारगेट फिक्स करता है, आता है और अपना काम पूरा करता निकल जाता है। हमने अभी तक क्या उखाड़ा है, नॉट इवन द बफ। फिर एक बार अगर ऐसा कुछ हुआ तो हम सबको अपनी वर्दी उतार कर चूड़ियां पहनना होगा, चूड़ियां। व्हाट द हेल इज हैपनिंग यमान? Hey, give me a clue, ये बड़े तमरान कौन है और क्या चीज है? केरल के एक राजघराने का राजा है वो। जापान की शाओलिन की तरह केरल का मार्शल आर्ट्स गैलरी का स्कूल भी चलाते हैं वो। उस घराने के राजा बड़े तमरान वासुदेव और ज्वालामुखी के बीच क्या संबंध है? छोटे तमरान हिरण्य का सीना चीर कर उसे मार डाले, ऐसे उसे क्या दुश्मनी है? है सब कुछ मुझे पहली लग रही है। चलो अब केरल है हमारी मंजिल। வர்ண தோரணங்கள் சாத்தி நின்ற தெளிவானில் சிங்கத்தீரு ஓணம் வந்தல்லோ, புது தங்கத்தேரில் ஓணம் வந்தல்லோ. தேவாலய மே சால் தியோஹார் பனா நீ சக்தே, பந்த் கர்னா ஹோகா।
यदि बंद नहीं किया तो जुलूस में कोई दुर्घटना होगी, अकाल मृत्यु भी हो सकती है। यमराज से भी शक्तिशाली लड़ाई यहाँ आ रहा है, सैकड़ों तूफान उसमें समाया हुआ है, सूर्य से भी अधिक गर्मी है उसमें, उसकी अवहेलना से विपरीत हो जाएगा। केरल का सबसे पुराना राजघराना है हमारा, 200 सालों से त्यौहार मनाते आ रहे हैं। बड़े बड़े राजघराने के लोग और गृह मंत्री तक भगवान के दर्शन के लिए आते जाते रहते हैं। अचानक इसे हम कैसे बंद करें? बंद करना ही होगा, यदि प्राण प्यारे हैं तो। तुझे अपना प्राण प्यारा है? मुझे तो नहीं लग रहा है। सर, हमें खबर मिली है ज्वालामुखी नाम का आतंकवादी आपको मारने के लिए यहाँ आ चुका है। आपको प्रोटेक्शन देने के लिए हम यहाँ आए हैं। है? उस ज्वालामुखी को देखकर डरने के लिए ये कोई मुंबई या कोलकाता नहीं है, केरल है, बड़ा राजघराना। यदि एक भी पुलिस वाले का जूता हमारी इस मिट्टी पर पड़ा, उसका मतलब हमारे तमाम योद्धा नपुंसक है। तंबुरान, सुनो, हम अपनी रक्षा करना जानते हैं, तुम लोग बाहर बैठकर खुद की रक्षा करो। फूटो हवेली के बाहर केरला पुलिस फोर्स और हवेली के अंदर तंबुरान के कई वीर योद्धा, इन सबको पार करके ज्वालामुखी कैसे अंदर घुसता है हम भी देखेंगे। ऑफिसर्स, वेट वेट वेट, हम रहेंगे या ज्वालामुखी रहेगा ये कल का ओणम त्योहार में पता चल जाएगा।
दूं। आज मेरे मन में आई है ज्वालामुखी। अखाड़े में कदम रख दिया ना, अब वो या मैं कौन मर्द है देखते हैं। पीछे हटो। आंधी की तरह आया और पलक झपकने से पहले गायब हो गया। हिरण्य को जान से मारकर उसने बड़े तंबुरान का अगवा भी किया है। सिर्फ बड़े तंबुरान ही नहीं, मुंबई का शिंदे, कोलकाता का मुखर्जी, ये दोनों भी लापता है। इन दोनों का भी ज्वालामुखी ने ही अगवा किया होगा सर। किस लिए अगवा किया? क्यों मर्डर किया? व्हाट इज द मोटिव? अब कहां है ज्वालामुखी? जस्ट टेल मी वेयर इज ही। गेट हिम। ये क्या है? तंबुरान? बड़े तंबुरान? सिंधे? सिंधे? मुखर्जी? मुखर्जी? क्या हो रहा है? इसका मतलब क्या है? हम तीनों को क्यों उठा लाए? कोलकाता में राजा की जिंदगी जी रहा था, यहाँ क्यों बुलाया है बोलो। तूने मेरे बेटे को मार डाला, अब भी तेरे खून की प्यास नहीं बुझी? मेरा खून भी पिएगा क्या?
ये सब क्यों कर रहे हो? ऑपरेशन ट्रिपल स्टार। ऑफिसर्स, इतने कम वक्त में मैंने ये इमरजेंसी मीटिंग इसीलिए बुलाई है कि सेंट्रल से प्रेशर बढ़ गया है। महादेव सिंह, सीबीआई, तिलक राज रिपोर्टिंग सर। आपके कहे मुताबिक ज्वालामुखी को दिल्ली से पीछा करके सभी इंफॉर्मेशन गैदर किया है सर। सर, मरने वाले तीनों को ज्वालामुखी से बचाने की हमने बहुत कोशिश की, अनफॉर्चुनेटली हम नाकाम रहे। तब नाकाम रहे तो क्या हुआ सर? अब इस वक्त तो ज्वालामुखी त्रिशूल पहाड़ में, जो हमारे कब्जे में है। सर, सिर्फ वही नहीं, जिन तीनों को उसने अगवा किया है वो भी उसकी कस्टडी में ही है। पहाड़ को चारों तरफ से हमारे फोर्सेस ने घेर लिया है सर। ऑर्डर दीजिए सर, उन सबको फौरन गिरफ्तार करके यहाँ ले आएंगे। सर, ये अरेस्ट वारंट है या शूट एट साइट ऑर्डर? ट्रांसफर ऑर्डर्स। हमें उम्मीद थी मिस्टर राणा, उस ज्वालामुखी की मदद करने वाला हमारे डिपार्टमेंट से ही कोई है, इसकी हमें उम्मीद थी, लेकिन वो आप होंगे ये उम्मीद नहीं थी। किसकी लालच हो गई मिस्टर राणा? पैसे, पदवी, लड़की या धमकी? उस ज्वालामुखी ने आपको किस चीज से खरीदा? टेक देम आउट राणा। इसके लिए आपको पछताना पड़ेगा मिस्टर राणा। टेक देम आउट, आउट। हमें बाहर निकालकर वो समझता है जीत गया। इस ट्रांसफर ऑर्डर के बावजूद शाम 6 बजे तक ड्यूटी निभाने का हमें हक है। हमारे कंट्रोल में 2 बटालियन जो है उन्हें ले जाकर उस ज्वालामुखी को कुत्ते की मौत मारेंगे और एनकाउंटर में मारा गया कहकर फाइल क्लोज कर देंगे। गुड आइडिया। तब ये राणा क्या करेगा देखते हैं, लेट्स गो। सीबीआई को तुम खरीद सकते हो, राणा को भी तुम खरीद सकते हो, अदालत, इंसाफ, कानून, सबको तुम खरीद सकते हो, लेकिन 2 ईमानदार अधिकारियों को तुम खरीद नहीं सकते। ज्वालामुखी, कम ऑन, तुम में हिम्मत है तो हमारी बंदूकों का जवाब दो। होल्ड योर फायर। आइए मिस्टर राणा, जूठन खाने के लिए आप यहाँ तक आ गए, अपने जमीर को बेच के इसके तलवे चाटने के लिए यहाँ इतनी दूर तक आ गए। हाथ में पिस्तौल देकर डरने वाले हम नहीं, आप जैसे बेईमान, बिकाऊ, गद्दार अफसर के नीचे काम करने के बजाय अपने फर्ज की खातिर जान देना बेहतर समझेंगे। कम ऑन शूटर्स, शूटर्स। तुम लोगों को मुझे शूट करना है, यही ना? शूट मी। तुमने कहा था ना कि मुझे तुम्हारी बंदूकों का जवाब देना होगा, जवाब देता हूं, शूट मी। क्यों हिम्मत नहीं है? खुद को सिपाही समझते हो? मुझे मारकर देश का रक्षक कहलाना चाहते हो? अगर तुम लोगों ने अपनी मां का दूध पिया है तो गोली चलाओ। कम ऑन शूट मी। इसे मार सके ऐसी कोई बुलेट आज तक नहीं बनी है। अपने प्रेसिडेंट अब्दुल कलाम ने जो अणुशक्ति ईजाद की है उससे बढ़कर एक शक्ति है ये। इसका मकसद बर्बाद करना नहीं, आबाद करना है। हमारे अशोक चक्र के ऊपर 4 बपर शेर दिखाई पड़ता है, नजर में ना आने वाला 5वां शेर ये ज्वालामुखी। दुश्मन को मारने के लिए हथियार की जरूरत नहीं, नजर उठा के देखने से ही पुस पुस पुस। आग, हवा, पानी, आकाश, मिट्टी, इन पंचभूतों के ऊपर एक अनजान ताकत है ये ज्वालामुखी। नजर है लेजर, शब्द है बुलेट, दोस्तों का दोस्त, दुश्मनों का दुश्मन। हमारे देश की एक अलग सी फौज, वन मैन आर्मी, द मोस्ट प्रेशियस एंड पावरफुल सीक्रेट एजेंट ऑफ द कंट्री, द मोस्ट पावरफुल मिसाइल ऑफ हिंदुस्तान, One and the only Captain Jwala Singh उर्फ ज्वालामुखी। सल्यूट हिम। हेलो।
हेलो, कंट्रोल रूम से बोल रहा हूँ कैप्टन। गांधीनगर सेकंड एवेन्यू के 11वां नंबर मकान में कुछ आतंकवादी छुपे हैं, ऐसी खबर मिली है। मैं सीधा स्पॉट पर जा रहा हूँ, आप कमांडोस को वहाँ भेज दीजिए। यस कैप्टन। तुम लोग अच्छे तो हो ना? हाँ चाचाजी। अगर तुझसे मिलना है तो हम सबको आतंकवादी बनना पड़ता है। तुम्हें बुलाओ तो तुम नहीं आओगे, इसलिए हम ही चले आए। कैप्टन ज्वालामुखी को पकड़ना इतना आसान है क्या? इसलिए ये तरकीब अपनाया। ये सब आप ही का प्लान है भाभी। वेलकम ज्वाला। सर, हमारे लिए हो सकता है अपना देश अपने परिवार से बढ़कर है, लेकिन हमारे परिवार वालों के लिए हम ही सब कुछ है। पूरे एक साल से इन्होंने तुम्हें देखा नहीं, ऐसी शिकायत आई, इसलिए ऐसा ऑपरेशन। ऑपरेशन खत्म हो गया या और भी कुछ? नहीं नहीं नहीं, तुम्हारे साथ रहकर तुम्हारी देखभाल के लिए एक सीक्रेट एजेंट को फिक्स किया है। एक ऐसा सीक्रेट एजेंट जिनके पास कई खतरनाक हथियार हैं। शायराना अंदाज में माशूका कह सकते हो, और रोजमर्रा की जिंदगी में हम सफर भी कह सकते हो। शालिनी, क्यों पसंद है? बहुत पसंद है। अरे तुम रो क्यों रहे हो? ओ, इसके लिए कोई रोता है क्या? प्यार में नाकाम होने वाला प्रेमी दाढ़ी बढ़ाता है और प्रेमिका पेट बढ़ाती है। ये तो क्या बोल रहा है? समझ नहीं आया। ना जुड़ने वाली रेल की दो पटरी की तरह जिंदगी के आगे तक साथ रहने वाले हैं। रेल की पटरी जुड़ती नहीं है, ऐसा तुझसे किसने बोला? सभी फिल्मों में ऐसा ही बोलते हैं। आखिर कब तक यही डायलॉग बोल के हमें धोखा देगा? अलग रहने वाली रेल की पटरी रेलवे जंक्शन आते ही जुड़ती हैं, मिलती हैं, घर संसार चला के बच्चा पैदा करके अलग हो जाती है, उसके बाद फिर मिलती हैं। ये बात हम जैसे मोहब्बत के मारों को सुनाकर हमारी जिंदगी के साथ क्यों खेलता है? ए, आज के बाद ऐसे फिजूल डायलॉग मारने की कोशिश की तो फगा फगा के मारूंगा। मैडम, मेरे ऐश्वर्या की भविष्यवाणी सच साबित हुई ना, तो मैं अपनी नौकरी पक्की समझू क्या? ज्योतिष विद्या भविष्य जानने के लिए है, और मेरा भविष्य तो मेरी आंखों के सामने है, इसलिए मैं ऐश्वर्या को आजाद करती हूँ। ये क्या मैडम?
मलक मलक इस प्यार में जाने जा, खुद से परेशान मैं कैसे हो गया। मलक मलक इस प्यार में जाने जा, खुद से परेशान मैं कैसे हो गया। सीने में जो अग्नि है वो बुझती है कैसे, दिल में जो मोहब्बत है वो होती है कैसे, ना कोई जवाब है प्यार के सिवा। सजनी आ जा, ज्वालामुखी आप कह रहे थे कि इंडिया की एक अलग फौज है, वो तो ठीक है, उसके लिए जहां कहीं भी जाओ वहां के वीआईपीज को जान से मारकर कानून को धोखा देकर बच नहीं सकते। तीन बेकसूरों की जान ले ली और तीन खास वीआईपीओं को अगवा करके अपनी कस्टडी में रखा हुआ है, इसके लिए आपके पास क्या जवाब है मिस्टर ज्वालामुखी? इससे पहले कि ज्वालामुखी इन सब सवालों का जवाब दें, ज्वालामुखी को इस मिशन में शामिल करने वाले की हैसियत से मैं आप लोगों से कुछ बात करना चाहता हूं। यह सुनकर कुछ लोग ताजुब करेंगे, कुछ लोग चौंक भी सकते हैं और कुछ लोगों के लिए इट कैन बी जस्ट अनबिलीवेबल। इस बात पर यकीन नहीं करेंगे बट इट्स द फैक्ट। ये क्या है सर, ऐसा भी क्या ब्रह्म रहस्य? हमारे तीनों रक्षा दल के प्रमुखों को सरहद पार के आतंकवादियों ने किडनैप कर लिया है और इस ऑपरेशन का आतंकवादियों ने नाम दिया है ऑपरेशन ट्रिपल स्टार। इस वारदात को हुए 15 दिन हो गए, अब उन्हें कहां ले गए हैं, उनका मकसद क्या है, डिमांड्स क्या है, ऐसी कोई भी बात अभी तक हमें नहीं पता। अगर फौज के जरिए उन्हें छुड़ाने की कोशिश की जाए तो उनकी जान खतरे में पड़ सकती है, इट कैन बी ए प्रॉब्लम। इसीलिए इसे वन मैन मिशन से डील कर रहा हूं। ज्वालामुखी इज द मिशन। इस मिशन के दौरान इन पर आतंकवादियों को कोई शक न हो जाए, इसी वजह से ज्वालामुखी ने अपने आप को एक आतंकवादी होने का पहचान दिया और इस हकीकत से सिर्फ हम दोनों ही वाकिफ हैं। तो फिर सीबीआई बिल्डिंग को उड़ाना, फौज को चुनौती देकर बचना, सब कुछ प्री प्लान्ड ऑपरेशन था, नाटक। ऐसे बहाने बनाकर बच नहीं सकते, उस बिल्डिंग को उड़ाना नाटक कह सकते हैं, लेकिन जिन तीन लोगों को इसने मारा उनके समाधि पर अभी घास भी नहीं उगी है, क्या इसे भी नाटक कहेंगे मिस्टर राणा? नहीं, वो सच था। मुंबई में अपने वायुसेना के ऑफिसर के घर में उनकी बेटी को म्यूजिक सिखाने के बहाने घुसकर उनका किडनैप करने में मदद की थी म्यूजिक डायरेक्टर डिसूजा ने। कोलकाता में हमारे आर्मी ऑफिसर के साथ मिलजुल बढ़ाकर, उनका भरोसा जीतकर, उनको दोस्त बनाकर टेररिस्टों के साथ मिलकर उनका किडनैप किया था सीपी शर्मा ने। तिरुवनंतपुरम में हमारे नौसेना प्रमुख को किसी समारोह के मुख्य अतिथि बनाकर उनका किडनैप करने में आतंकवादियों का साथ दिया था छोटे तंबरान हिरण ने। ऐसे देशद्रोहियों को आईपीसी के तहत बुक करते तो कोर्ट में, जेल में खाना खिलाकर फिजूल में सरकार का खर्च ही बढ़ता, इसलिए मैंने उन्हें जेपीसी के तहत सजाए मौत दे दी। ये क्या जेपीसी? ज्वालामुखी पीनल कोड। ज्वालामुखी के इस ऑपरेशन की हर एक डिटेल्स मुझे वक्त वक्त पर मिलती रहे, इसीलिए मैंने इन दोनों को अपॉइंट किया था। आपने अपना काम बखूबी निभाया, थैंक्स। लेकिन तीन वीआईपीओं को आपने अगवा किया, क्यों किया है, उनके साथ क्या करने वाले हैं? इन तीनों के मरने वाले तीनों देशद्रोहियों के साथ नजदीकी तालुकात रहे हैं ये मैं जानता था। आतंकवादियों के देश के अंदर रहकर उनकी हर तरह से मदद करने वाले भी यही तीनों थे, इसलिए मैंने उन्हें पकड़ रखा है। मैं अब जो उनके साथ सलूक करने वाला हूं उसका असर सरहद पार उन आतंकवादियों पर पड़ेगा और वो लोग खुद ब खुद
अपने बिल से बाहर आ जाएंगे। खूब, बहुत खूब। हे ज्वालामुखी, मुझ तक पहुंचने के लिए जिन तीनों को तूने पकड़ा था, अब तो उनकी हड्डी पसली गिनना शुरू करेगा तो गिनने में तुझे 3 साल लगेंगे। बाबा अख्तर, बाबा हिंदुस्तानी फौज में तेरी पहुंच जितनी है मेरी पहुंच उससे कहीं ज्यादा है। हे ज्वालामुखी, तेरी फौज मेरी जानकारी के बिना ना कोई फैसला लेती है ना ही उस पर अमल करती है। सिर्फ इतना ही नहीं, वहां एक पिन भी लगती है तो उसकी भनक मुझे यहां लग जाती है। अब इस वक्त मैं तारीख लिखता हूं, जनवरी 26 तारीख तुम्हारा प्रेसिडेंट अपनी तकरीर में कश्मीर को आजाद कश्मीर कबूल करेगा, वरना इंडिया गेट के पास आवाम के सामने तुम्हारे तीनों अफसरों की लाशों को चील कौवे नोचने के तैयार नजर आएंगे। और हां, अगर तू अकलमंद है तो हमारी आजादी का इंतजाम कर, या ताकतवर है तो आ जा, एक एक हाथ हो जाए, आ जा। क्या है, कोई ऑपरेशन का प्लान है? मेरा इस्तीफा। क्यों? सरहद पार 20 डिग्री सेंटीग्रेड में खून जम जाए ऐसी ठंड में हमारे बहादुर सिपाही देश को बचाने में लगे हैं, लेकिन यहां पर कुछ देशद्रोही एसी रूम में आराम से बैठकर देश को ही नीलाम करने में लगे हैं। हम 30 लोगों की इस क्लोज सर्कल मीटिंग में मेरी कही हुई बातें सरहद पार रहने वाले टेररिस्ट जान गए हैं, तो इसका मतलब है कि हमारे बीच बैठकर कोई गद्दार हमारी बात बाहर पहुंचा रहा है। अपनी मां को बाजार में बेचने वालों में और अपने देश को दूसरे के हाथों में बेचने वालों में ज्यादा फर्क नहीं होता है सर। अरे इनका बस चले तो अपनी बीवियों को भी उनके हवाले कर दें। हमारे देश की सीक्रेट इंफॉर्मेशन को दुश्मन के हाथों बेचने वाले दलाल जब तक रहेंगे हमारे देश को कोई नहीं बचा सकता। एक बार ब्रह्मा जी से मिलने 3 लोग गए थे, एक अमेरिकन, एक रशियन और एक इंडियन। अमेरिकन ने ब्रह्मा जी से पूछा कि उसका देश कितने साल में तरक्की करेगा। ब्रह्मा जी ने कहा कि 100 साल लगेंगे। ये सुनते ही अमेरिकन रो पड़ा कि यह देखने के लिए वो जिएगा कि नहीं। फिर रशियन ने ब्रह्मा जी से पूछा कि उसका देश कब तरक्की करेगा, तो ब्रह्मा जी ने जवाब दिया 50 साल लगेंगे। ये सुनकर रशियन भी रो पड़ा, पता नहीं ये देखने के लिए वो जिंदा रहेगा या नहीं। उसके बाद इंडियन ने पूछा कि उसके देश की तरक्की कब होगी, ये सुनकर ब्रह्मा जी रो पड़े कि ये देखने के लिए वो जिंदा रहेंगे या नहीं। अब आप सब हंस रहे हैं, इसी तरह हमें बनाने वाले ब्रह्मा जी को भी हमारा देश कब तरक्की करेगा इसका भरोसा नहीं था। जो अपनी मां से प्यार नहीं करता, जब वो सुनता है कि पड़ोसी की मां अच्छी है तो उसको गुस्सा आ जाता है। हमसे ये कहकर के हमारा देश खराब है और पड़ोसी देश अच्छा है तो हम हंसने लगते हैं। मां के बारे में सुने तो गुस्सा आ जाता है और मातृभूमि के बारे में सुने तो हंसी आ जाती है। इसलिए हम नहीं, ब्रह्मा जी भी नहीं, अगर 33 करोड़ देवी देवता भी आ जाए तो भी हमारा देश नहीं बचेगा। अगर हमारा देश तरक्की नहीं कर रहा तो उसके जिम्मेदार हम हैं। जैसे शादी के घर में हर कोई दूल्हा नहीं, जैसे मातम वाले घर में हर कोई मुर्दा नहीं, उसी तरह अगर आप लोगों में हर कोई शरीफ नहीं तो हर कोई गद्दार भी नहीं। गद्दार कोई भी हो सकता है, आप भी हो सकते हैं। क्या आप नहीं जानते आप किससे बात कर रहे हैं? अपने से भी ऊंचे ओहदे पर बैठे हुए सरकारी अधिकारी से बात कर रहे हैं मिस्टर ज्वालामुखी, माइंड योर टंग। सियासत हो या सत्ता हो, वो जनता जनार्दन कहने वाले मालिकों की सेवा के लिए बनाए गए हैं, ये मत भूलिए। पब्लिक से बढ़कर कोई सियासत नहीं, कोई हुकूमत नहीं। सरकारी दफ्तर में भी सियासत हो सकती है मिस्टर ज्वालामुखी? सियासत क्या है पता है आपको? पिछले लोकसभा चुनावों में एक उम्मीदवार ऐसा है जिसकी जमानत जब्त हो गई, जानते हैं ये कौन है? वो है भारतीय प्रजातंत्र। अगर मैं सियासत में आ जाऊं और उस हारे हुए उम्मीदवार को बचाने का फैसला करूं तो हिंदुस्तान के राजनीतिक प्रवेश को बदल के रख दो। सियासत में आऊंगा नहीं आऊंगा ऐसा किनारे पर खड़े होकर इशारे करने की आदत मेरी नहीं है। अगर मैंने ठान लिया तो एक बार
और दो टुकड़े। तुम्हारे पीछे कौन है जिसके बलबूते पर तुम इस तरह बोल रहे हो? मेरे पीछे वो जनता है जिसका स्वाभिमान और जमीर अभी तक मरा नहीं है। दिलो दिमाग से सोचकर और जरूरत पड़े तो मेरे इशारे पर अपनी जान तक न्यौछावर करने वाले उन साथियों के भरोसे मैं ये बात कर रहा हूँ सर। अगर मैं उन्हें कहूँ कि पानी बहाओ तो खून भी बहाने के लिए तैयार खड़े उन लाखों नौजवानों के भरोसे बोल रहा हूँ सर। सामने से मुकाबला करना छोड़कर पीठ पीछे हमला करने वाला वो कायर चाहे जो कोई भी हो, मेरी बात सुन ले, अगर वो मुझसे भिड़ेगा तो बहुत पछताएगा। ठीक है ज्वालामुखी, आपकी बात हम मानते हैं, अब हमें क्या करना होगा ये बताइए। मेरा इस्तीफा कबूल कीजिए, यही अच्छा होगा। चारों तरफ अंधेरा छाया है इस देश में, चोर लुटेरे आ गए हैं नेताओं के भेस में, अहिंसा तो चली गई गांधी जी के साथ में, हिंसा ही तो रह गई आतंकियों के हाथ में। फिर भी करता हूं ए भारत भूमि सलाम। खामोश। आ गए कबूतर राजा, जब तक तू है तब तक हिंदुस्तानी फौज में अगर कोई सांस भी ले तो हमें पता चल जाएगा। माइक्रोफोन संभाल के लाया है ना अपने साथ? अरे माइक, माइक कहाँ है? यू आर अंडर अरेस्ट। ज्वालामुखी को एक बार धोखा दिया, बार बार धोखा देके क्या बच जाओगे? ज्वाला, ज्वालामुखी। क्या होगा पीले, तूने अभी जो पानी पिया है उसमें साइनाइड मिला है। क्या? तुझे ऐसे ही छोड़ दिया तो दो मिनट में तू ऊपर पहुंच जाएगा। यहां पर तुम लोगों की मदद करने वाला कौन है मुझे साफ साफ बताओ। वैसे तुझे बचाने के लिए बाहर एम्बुलेंस तैयार है, मैं तुझे बचा लूंगा, वरना खल्लास। सिर्फ डेढ़ मिनट बाकी है, आप लोग जाइए डॉक्टर, इसके पोस्टमार्टम की तैयारी कीजिए। ओके कैप्टन। अरे रुक जाइए, रुक जाइए डॉक्टर साहब, सिर्फ एक मिनट। एमपी भाई पर, एमपी भाई पर, इसे एम्बुलेंस तक ले जाऊं कैप्टन? नहीं, हमेशा की तरह साइनाइड मिलाने का बहाना करके इससे सच्चाई उगलवा ली ना कैप्टन। सचमुच साइनाइड मिलाया था, इस जैसा गद्दार जिए तो क्या मरे तो क्या, मरने दो साले को, आबादी तो कम हो जाएगी। एमपी महिपाल।
नमस्ते। दिल्ली से प्लानिंग कमीशन के लोग आपसे मिलने आए हैं सर। प्रणाम प्रणाम। ये क्या सर, आप यहीं पे सो रहे हैं? अरे तुम भी, हम पैदा हुआ था यहीं पर, पला हुआ था यहीं पर, पुराना बात बोलने की आदत नहीं ना हमको। ई गटर का बदबू सुन के शोर शराबे के बीच सोने की आदत पड़ गई ना। बंद कमरे में एसी के ठंड में सो तो हमारा मन घबराता, लेकिन यहाँ ऐसा लगता है कि हम स्वर्ग में सो रहा हो। तारे जहां से अच्छा। ए बस कर बच्चा, अभी तक तू यही गाना गा रहा इसीलिए फुटपाथ पर ही है, हम भूल गए इसीलिए बहुत बड़ा नेता बन गए हैं। बंद कर, नहीं तो मुंह तोड़ दूंगा। दो मिनट रुकना, बुआ आ रही है, हम नहा कर आता हूँ। ओ भिखारी को यहाँ आने मत देना, पानी चढ़ जाएगा। अरे कैसे नो भाई? ठीक बने सर का। हमारा पुराना यार है, बहुत अच्छा आदमी है, पूछ कर ही पॉकेट मारता है। ए बुढ़िया ठीक से धोना, अंदर कुछ नहीं है। अबे ओए जोर से मार, पानी बंद हो जाएगा। अभी शुरू करते हैं। नमस्ते। प्रणाम प्रणाम। शुरुआत ही ठीक नहीं है। कैप्टन ज्वालामुखी आपसे मिलने आए हैं। ज्वालामुखी? वो तो बहुत अच्छा आदमी है, हमारा घर का है। नहीं जानता सरकार? नहीं जानते हैं? वो है कि टेलीफोन कनेक्शन, प्राइम मिनिस्टर से डोनेशन, वैसे एमपी कोटा से मदद मांगने आया होगा। तुम सब यही रुको, हम देखता हूँ। क्या बात है ज्वाला भैया? खाली इंक्वायरी है कि अरेस्ट वारंट के साथ आए हो? खुल्लम खुल्ला बेईमानी करने वाला राजनीति के कॉलेज में 15 साल पढ़ाई करके मास्टरी किया हूँ हमने, फिर भी इतना हिम्मत से हमारा घर आया है तो बहुत बड़े डंडे के साथ ही आया होगा। हम नेता हूँ, ई बेवकूफ सीधा साधा पब्लिक के सामने अपना रोब जमाता हूँ, लेकिन तुम्हारा जैसे अफसर के सामने सच बोलूंगा। सीमा पार से आने वाला आतंकवादी को हमने पनाह दिया था, ये बात सच है। तुम्हारे आगे हम सच बोल के सरेंडर हो जाता, लेकिन इसकी वजह से हमारी नेतागिरी का बाजा मत बजाना, तुम्हारा पैर पड़ता हूं ना। हमारी गुजरी जिंदगी का कहानी सुनो ज्वाला भैया, जब से होश संभाला तब से हमारा माँ बाप कौन है हमको नहीं पता। सुना है कि किसी भिखारी ने हमको कचरे के डब्बे से उठा के पाला था, उस सबके जैसे भिखारी का झूठन खा खा के हम पला बड़ा। गटर हमारा घर था और कीड़ा मकोड़ा हमारा साथी। आगे के बात सुनो, 4 साल की उम्र में पॉकेट मारना शुरू किया, 6 साल की उम्र में सिनेमा टिकट ब्लैक में बेचता था, 8 साल में मर्डर किया, 12 साल में पॉलिटिक्स में उतर गया। वार्ड काउंसलर से लेके मंत्री तक सबको लड़की सप्लाई करके आज हम इस मुकाम तक पहुंच गया। 50 लाख रुपया खर्च करके MLA बना, करोड़ों रुपया खर्च करके MP बना, राजनीति का इस व्यापार में अपनी जिंदगी का पूंजी बना दिया है। फायदा उठाने का ऐसे मौका पर हमको अरेस्ट करके हमारी जिंदगी को बर्बाद मत करो। ई देश हमरा लिए कुछ भी नहीं किया ज्वाला भैया, तो फिर काहे उम्मीद करते हो कि हम इस देश के लिए कुछ करूं? या फिर हमको गिरफ्तार करके अपना सीना पर मेडल लगाना चाहते हो? तो ठीक है लगा लो। कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक लाखों लुच्चा लफंगा घूमता है, रोज एक को गिरफ्तार करो, जितना जी चाहे मेडल अपना सीना पर लगा के घूमो, बस हमको छोड़ दो। ऐसे का देखते हो? फुटपाथ पे कोई सड़ा हुआ कुत्ता टांग उठा के गंदा करता है तो ऐसे ही देखोगे का? नाक बंद करके साइड से निकल नहीं जाओगे? हमको भी वैसे सड़ा हुआ कुत्ता समझ के साइड से निकल जाओ ना ज्वाला भैया। पैसा चाहिए, पदवी चाहिए, लड़की चाहिए या प्रमोशन चाहिए, एक बार हूं कहो ना भैया। ई जान छोड़ के कुछ भी मांगो देता हो ना ज्वाला भैया, क्या बोलते हो? अभी इसने जो कुछ भी कहा उसे रिकॉर्ड किया ना, स्टेटमेंट के रूप में टाइप करके रखो, थाने पहुंच के इसके साइन ले लेंगे, तो फिर चले। दूसरों को धोखा देके हम पॉलिटिक्स में आए हो, हमरे साथ ही धोखा। ई मोबाइल हमरे जेब से तुमने कब निकाला, कब ऑन किया, कब वापस हमरे जेब में रखा? बिना सोचे समझे तुम अपने नेताओं के पैर पड़ो तो भी चलेगा, लेकिन ज्वालामुखी के सामने अगर पैर भी पड़ो तो सोच समझ के चलो। कहाँ राजा? तुम्हारे ससुराल और कहाँ? नेताजी को, नेताजी को, नेताजी को। ऐसे धमकी मत दो ज्वाला भैया, तुम्हारा जैसा अफसर हम जैसा नेता को अरेस्ट करने आता है तो हम बचने के लिए क्या तरीका अपनाते हैं पता है? नहीं पता है? छाती में दर्द, हार्ट अटैक। Mm-hmm.
डॉक्टर साहब, छाती में बहुत दर्द हो रहा है। ये ज्वालामुखी हमारा जीना हराम कर दिया है। इसे गेट आउट करो, गेट आउट, गेट आउट। जोर से मत बोलिए, सिलाई खुल जाएगी। सिलाई? तू अपना सीना देख, अब सामने देख। तेरा सीना चीर कर अंदर 2 किलो जेलेटिन पाउडर रखकर सील कर दिया है। अगर कोई भी होशियारी की बटन दबाऊंगा, तेरे टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, तेरा एक बाल भी बाकी नहीं बचेगा। अब आइंदा देश भर में कोई भी नेता हार्ट अटैक का बहाना करके हॉस्पिटल में भर्ती नहीं होगा। अगर भर्ती हुआ तो काम से गया। ज्वाला ज्वाला ज्वालामुखी। भाई साहब, अरे तू यहाँ कैसे? हवाला केस में फसाई गयो तो तमारा गुटमा जाइने हार्ट अटैक आयो, खोटू बोलीने हॉस्पिटल में आवीने दाखल थई गयो। तमारी कंपनी माटे तमारी बाजुमां मारू बेड राख्यो छे, आईडिया केवी लागी? यहाँ बढ़िया ख्याल रखा जाता है। जाओ जाओ डॉक्टर साहब, ई हमरा चेला है। फरीसी मलसु मोटा भाई, आउजो। ज्वाला भैया, आज के बाद रोज एक बम रखे का काम मिल जाएगा तुमको। अच्छा हुआ हार्ट अटैक बोला, इसलिए छाती में बम रखा तुमने। अगर बवासीर बोला होता तो कहाँ पर बम रखता? छोड़ दो, छोड़ दो। सीमा पर रहने वाले आतंकवादी को यहाँ से खबर भेजा जाता है। दिन में ई कंप्यूटर क्लास है, रात होते ही सीमा पर खबर भेजने वाला पोस्ट ऑफिस। ई जो नेट बोलते हैं ना, इंटरनेट, उस नेट में लोकल मछली पकड़ के वहाँ ट्रेनिंग पर भेजा जाता है। कैप्टन, इसका क्या करें कैप्टन? अरे कुछ नहीं करना है ज्वाला भैया, हम सरकारी गवाह बनता हो ना, हमको छोड़ दो। ऐसे का देखते हो? अरे जहां से अच्छा। तुम्हें भारत से बहुत प्यार है? बहुत प्यार है। अगर किसी ने भारत से दगा किया तो खून कर दूंगा। इसने दगा किया है? अरे अरे बहुत ज्यादा जोश में मत आओ भाई। ये लो, ये रिमोट रख लो। आइंदा ये कभी भी पार्टी कर्मचारियों के पास जाए या अपने चुनाव क्षेत्र में जाए तो इसे दबा देना,
ओके ओके आर यू श्योर श्योर कॉन्फिडेंट कॉन्फिडेंट पक्का पक्का तो लॉक कर दो अच्छा चलो भैया मैं रेडी तू रेडी है सड़क छाप भिखारी भी डायलॉग बोलता है हमारा खैर नहीं तो 10 करोड़ की आबादी वाले हमारे भारतवर्ष को 3,350 आतंकवादी धमका रहे हैं सर साबुन खरीदने के लिए जाने वाला आदमी भी बुरी तरह मारा जाता है हनीमून मनाने के लिए जाने वाली लड़की वही विधवा बन जाती है किसी बाजार से लेकर लाल किले तक जहां देखो आतंकवादी खुलेआम घूम रहे जो मर्जी में आए कर रहे हैं फौज के अफसरों का ही अपहरण कर रहे हैं ऐसा क्यों है सर क्योंकि आतंकवादी रिश्वतखोर नहीं है लेकिन हम हैं दुनिया के तमाम देश रिश्वतखोर हैं सर प्रसूति गृह से लेकर कब्रिस्तान तक सभी जगह घूस चलता है लेकिन दुनिया में हमारे देश का ही रक्षा विभाग ऐसा है जहां खुलेआम घूस चलता है सर हमारे इस देश के नेता लोग जो 400 करोड़ 500 करोड़ के घोटाले करते हैं अगर उन पैसों को इकट्ठा करके हथियार खरीदे तो रातों रात हमारा देश सबसे बड़ी ताकत बन सकता है सर हम वर्ल्ड बैंक को भी उधार देने के लायक अमीर देश बन जाएंगे 100 करोड़ समझदार दिमाग के होते हुए और 200 करोड़ मेहनती हाथों के होते हुए भी हम लोग ना सोचते हैं ना मेहनत करते हैं इसी वजह से कहीं दूर सरहद पर बैठा कोई उग्रवादी हमें धमकाता है ब्लैकमेल करता है सर हथियारों से जान बचाने के लिए जब हमारे फौजी लड़ते हैं तो जान को ही हथियार बनाकर ये उग्रवादी उनसे मुकाबला करते हैं सर अगर उनसे लड़कर हमें विजयी होना है तो हमारी वर्दी या आम लड़ाई के तौर तरीके काम नहीं आएंगे सर आतंकवाद को आतंकवाद से ही मिटाना होगा लोहे को लोहे से काटना पड़ता है और कांटे को कांटे से निकालना पड़ता है आप ये कतई मत भूलिए सर अपनी फौज में से साथी के रूप में मुझे 10 फौजियों को दीजिए सर आम फौजी नहीं अपने देश की खातिर आतंकवादी बनने के लिए तैयार 10 नौजवान जरूरत पड़े तो सुसाइड स्क्वाड बनकर मर मिटने के लिए तैयार 10 नौजवानों को दीजिए सर गणतंत्र दिवस के पहले 1 खरोज भी लगे बिना मैं उन फौजी अफसरों को छुड़ा कर लाऊंगा सर गणतंत्र दिवस के लिए 4 दिन बाकी है यह मुमकिन है खोने के लिए कुछ नहीं है सर सिवाय इस जान के लेकिन पाने के लिए सारा जहान जय हिंद जय हिंद ये क्या अचानक जाने की बात कर रहे हैं मुझे कोई जवाब देते जाइए मैं सर पे कफन बांध के जा रहा हूँ लेकिन तुम्हारे आगे जिंदगी है मैं तुम्हें क्या जवाब दे सकता हूँ मौत सिर्फ आप ही को नहीं हर किसी को कभी न कभी जरूर आएगी लेकिन ये जिंदगी कभी आएगी या नहीं कोई नहीं जानता मुझे मेरी जिंदगी देते जाइए मेरे गले को मंगलसूत्र देते जाइए और मेरी मांग को रंग देते जाइए अगर इस मिशन के दौरान मुझे कुछ हो जाए आप हैं ज्वालामुखी आपको कुछ नहीं होगा फिर भी हुआ तो आपके नाम की सफेदी ओढ़कर गर्व से जीवन बिताऊंगी ए आज तो बहुत सुंदर लग रही है चल जल्दी करो लेट हो रहा है ना ज्वाला कहाँ है ऊपर तैयार हो रहे हैं ए ज्वाला हम लोग निकल रहे हैं तुम जल्दी आ जाना ठीक है आता हूँ जल्दी आइएगा तुम्हें छोड़कर आखिर वो कहाँ जाएगा चलो हेलो ज्वाला साहब सीसीसी एम्यूजमेंट पार्क में टेररिस्ट रसूल अख्तार का एक साथी बुर्का पहनकर घुस गया है वहाँ 3,000 जाने खतरे में है अगर आप फौरन जाकर उसे पकड़ेंगे तो लोगों की जानें बच जाएंगी और अख्तार कहाँ छुपा है उसका भी पता चल जाएगा मूव फास्ट मैं जब बोलता हूँ ध्यान से सुन ज्वालामुखी आ रहा है तुझे बचाने के लिए वो जैसे यहाँ पर आएगा हम उसे मार डालेंगे We will kill him, understand? जा, जा, तुझसे हो सके तुझसे बचा ले
शालू। आपको कुछ नहीं हुआ ना? मैंने अपने हाथों से तुम्हें गोली मारी। ऐसा मत बोलिए। I'm sorry, Captain. अभी हम ठीक से कुछ नहीं कह सकते। She is in coma. उनकी हालत बहुत नाजुक है। उनका बचना अगर मुमकिन नहीं तो नामुमकिन भी नहीं। भैया, अगर ये अपनी आंखें खोले या हमेशा के लिए बंद कर दे, उठकर खड़ी हो जाए या हमेशा इसी तरह पड़ी रहे, इस जन्म में यही मेरी पत्नी है। इसी मुहूर्त में ये शादी होके रहेगी। आँख खोलोगे इसी भरोसे, मेरा इंतजार करोगे इसी भरोसे, दुश्मनों से लड़ने के लिए जा रहा हूं, मुझे दगा मत देना शालिनी। आज तक किसी ने भी मुझे शिकस्त नहीं दी है, तुम भी मुझे मत देना। आज तक किसी के लिए भी ज्वाला कभी नहीं रोया, मुझे जीवन भर के लिए रुलाना मत शालिनी। शालिनी, मैंने कहा था ना इसे कुछ भी नहीं होगा। जब मैं जीत कर लौटूंगा तो ये मेरे लिए आरती का थाल लिए इंतजार करेगी। चलता हूं शालिनी। क्यों ज्वालामुखी रो रहा है? ज्वालामुखी की आंखों में आंसू। थोड़ी देर पहले अपने ही हाथों से तू अपनी बीवी की जान ले रहा था, अब भी अगर तू चुप नहीं रहा तो तेरी फैमिली सुकून खुशी जिंदगी सब कुछ खो देगा। क्या बोलता है, क्या बोलता है, बोल क्या करेगा? ए, तू आग से खेला होगा जो बच्चे भी खेलते हैं, लेकिन मैं ज्वालामुखी हूं, पूरी तरह से आग। मुझे छेड़ा ना तो ऐसा लावा बरसाऊंगा कि तू तेरा जिहाद सब इतिहास बन जाएगा। अच्छा है, बहुत अच्छा है, तूने मुझे खुश कर दिया। खुशामदीद। Oh,
पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच एलओसी की लंबाई है 4,300 किलोमीटर। कारगिल के बर्फीले पहाड़, पंजाब में नदी, राजस्थान में मरुस्थल, कच्छ के इलाके में समुंदर, इस तरह अनगिनत और विशाल सीमाओं के बीच रसूल अख्तर कहाँ होगा, ये दो दिन में हम कैसे पता लगाएंगे? पता लगाएंगे कैप्टन, उस अड्डे का पता लगाने के लिए हमारे पास एक क्लू है। जी हाँ कैप्टन, रसूल अख्तर ने अनजाने में अपने ठिकाने का क्लू हमें दिया है, ये देखिए। ग्लेजियो, बर्फीला इलाका। हमारे ऑफिसर्स का किडनैप नहीं करता, कभी भी अपने दुश्मनों को कम मत समझो। इस विजुअल के राइट हैंड साइड में ऊपर के हिस्से को गौर से देखो, नीम का पेड़, जहां पानी ना हो रूखी सूखी जमीन पर भी उगता है नीम का पेड़। ऐसा पेड़ बर्फीली पहाड़ों में कैसे उग गया? इस तरह उग गया। उसके सर के ठीक पीछे बंजर जमीन है, एक वीरान जगह, एक खंडहर। उससे वह हमें गुमराह करके बर्फीले एरिया में भेजना चाहता है, जबकि वह हमारे आसपास ही कहीं छुपा हुआ बैठा है। इस तरह की बंजर जमीन जहां पर इस तरह का पुराना खंडहर हो, वैसी एक ही जगह है जिसकी देखभाल सरकार भी नहीं करती, टूरिस्ट भी वहां नहीं जाते, ट्राइबल भी रहने से डरते हैं, ऐसा है वो खंडहर, बागलकोट। लेकिन वो नहीं जानता कि हम यहां पर हैं। अगर जान भी गया तो उसके हम तक पहुंचने से पहले सिर्फ दो ही दिनों में हमें आजाद कश्मीर मिल जाएगा। बोलो, आजाद कश्मीर जिंदाबाद, आजाद कश्मीर जिंदाबाद, आजाद कश्मीर जिंदाबाद। Let's start the mission. चलो, अबे दिमाग खराब मत कर, सामने से हट। हम जाते हैं सरकार, जाते हैं। बे साले हट। फौरन पेट्रोल खाली करके गाड़ियों को वापस भेजो। अपनी सारी गाड़ियां दिल्ली तक पहुंचे उतना पेट्रोल जमा होना चाहिए। चाहे कुछ भी हो जाए, हमें दिल्ली पहुंचना ही होगा। खंडर से जिंदा बचकर निकलोगे तभी तुम दिल्ली जा पाओगे ना। ज्वाला, ज्वालामुखी। रिमोट से ब्लास्ट किया है, इसका मतलब वो यहीं कहीं होगा। जाओ ढूंढो उसे, जल्दी जाओ। सिर्फ मुझे पकड़ने से तुम जीत नहीं जाओगे। ये खंडर नहीं किला है, अख्तर बाबा की इजाजत के बगैर यहाँ हवा भी नहीं घुस सकती। वैसे इस जगह का इंतजाम मैंने ही किया है, क्योंकि इस जंगली इलाके में मेरा बचपन बिता है। खुद के ही मुल्क में बिना आजादी के बेरोजगार से तंग आकर सब कुछ छोड़ छाड़ कर इंडिया के खिलाफ जंग लड़ने निकल पड़ा हूँ। जिहाद, मैं मुजाहिदीन। जिस मुल्क में मैं चैन से जी नहीं सका, उस मुल्क को मैं चैन से रहने नहीं दूंगा। माँ कहकर चीख पड़ा। तेरी माँ, बाप, तेरी बीवी, बच्चे सब यहां महफूज रहते हैं और इसी भरोसे पर तू बंदूक उठाए घूमता है। परम पूजनीय भारत भूमि में जन्म लेकर अपनी माँ, बाप, बीवी, बच्चों को भूलकर तू पाकिस्तान के आतंकवादियों के तलवे चाट रहा है। शर्म नहीं आती तुझे? मुझे क्यों शर्म आएगी? जो आजादी मुझे यहाँ नहीं मिली वो पाकिस्तान के आतंकवादी ने दी, मैं गया? ए, यहाँ तुझे किस बात की आजादी नहीं है? यहाँ गली गली में मस्जिद है, पाकिस्तान के कितने शहरों में मंदिर है,
यहाँ सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस की हैसियत से कितने मुसलमानों ने काम किया है। पाकिस्तान में एक भी हिंदू वकील बन सकता है। यहाँ राष्ट्रपति बनकर जाने कितने मुसलमान रह चुके हैं। पाकिस्तान में किसी हिंदू का एक वार्ड मेंबर तक बनना मुमकिन है? ये सब किस लिए? 110 करोड़ की आबादी वाले हमारे देश में क्रिकेट टीम के कैप्टन कितने ही मुसलमान रह चुके हैं। पाकिस्तान में एक भी हिंदू क्लब क्रिकेट खेल सकता है? हमारे लिए मिसाइल बनाकर आज राष्ट्रपति बनकर रहने वाले अब्दुल कलाम एक मुसलमान है। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा फक्र से लिखने वाला इकबाल भी एक मुसलमान था। वंदे मातरम को सारी दुनिया में पहचान दिलाने वाला ए आर रहमान भी एक मुसलमान है। मुझे अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करने वाले ऐसे कई दोस्त हैं जो मुसलमान हैं। यहां कोई भी मजहब को नहीं देखता, सिर्फ इंसान को देखता है। पूरे इंडिया में सभी लोगों का सिर्फ एक ही धर्म है, मानवता का धर्म। अब एक और बात सुन ले, पाकिस्तान में रहने वाले मुसलमान से भी ज्यादा इंडिया में रहने वाला मुसलमान खुशहाली से, हिफाजत से और सुकून से रह रहा है। मुझे पता नहीं है हकीकत तुझ जैसे खून की होली खेलने वाले हैवान जानते हैं या नहीं, तुझ जैसे को ब्रेन वॉश करके इस्तेमाल करने वाले आतंकवादी जानते हैं या नहीं, ये खून खराबा देखकर खामोशी से बैठने वाले दूसरे देश जानते हैं या नहीं, लेकिन सबसे मोहब्बत करने वाला वो अल्लाह जरूर जानता है। कारगिल से एक छोटे से कंकड़ को भी हिला नहीं सके और ख्वाब रखते हो कश्मीर का? कश्मीर से ही नहीं, हमारे मुल्क से घास का एक तिनका भी नहीं उखाड़ पाओगे। ये किला ही क्या, अगर मेरे सामने कोई भी किला हो उससे मिट्टी में मिलाने की हिम्मत इस सीने में है, भरोसा इन आंखों में है, विश्वास मन में है और ऊपर वाले की दुआ भी। महबूब सुहानी, माशूक रहमानी। एक हैवान की तरह मैंने जिंदगी बिताई, मुझे खुशी है कि अब इंसान बनकर मर रहा हूं। शुक्रिया कैप्टन। महबूब सुहानी, माशूक रहमानी, ला इलाहा इल्लल्लाह। स्टार्ट द काउंटडाउन।
और गए बिना सीधा मेरे अड्डे पर आ गया, मानता हूँ तू अकलमंद है, लेकिन ये अख्तर बाबा तुझसे भी हजार गुना अकलमंद है, नहीं समझा? इस वक्त उससे सैकड़ों मील दूर दिल्ली की तरफ जा रहा हूँ, पता है क्यों? क्योंकि कल हिंदुस्तान का रिपब्लिक डे है। मैंने कहा था ना, तीनों फौजी अफसरों की लाशों को चील कौवों की खुराक बना दूंगा। कल न सिर्फ चील कौवों को खुराक दूंगा, बल्कि सारी दुनिया के सामने हिंदुस्तान का सर भी झुकाऊंगा। तू मुझ तक नहीं पहुंच पाएगा ज्वालामुखी, अगर हिम्मत है तो पहुंच। अब हम एक पल भी जाया नहीं कर सकते। मूव। साहब, जब तक बिल में है तब तक महफूज है, मगरमच्छ जब तक पानी में है तब तक महफूज है, ठीक उसी तरह अख्तर बाबा इस किले में महफूज है। ज्वालामुखी हमें कहीं भी ढूंढ ले, मगर इस किले में नहीं ढूंढ सकता, कभी नहीं। इंसान की मौजूदगी जब चमगादड़ों को भी पता चल जाती है तो मैं क्या कोई बेवकूफ हूं जो ये ना समझ सके कि तुम मुझे बरगला रहे थे? ज्वाला 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 ज्वालामुखी। तो फिर चले? तू समझता है कि तू जीत गया ज्वालामुखी? अख्तर बाबा से तू अभी नहीं जीता है। अब ये जंग हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच नहीं, हिंदुस्तानी फौज और पाकिस्तानी फौज के बीच नहीं, एक हिंदुस्तानी और एक पाकिस्तानी के बीच है। तू रहेगा या मैं? मुकाबला करके देख लेते हैं। आजा, मुझे इसी पल का इंतजार था। आ ज्वालामुखी, आ। तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, तेरे मुल्क के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा, तेरे हिंदुस्तान का सर झुका के रहूंगा। Oh!
मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा, ये हमें नहीं चाहिए। चलो चलते हैं। ये बच्चा कौन है कैप्टन? इंडियन।